गणपति बाप्पा को मोदक और लड्डू बहुत ही पसंद है, इसलिए हम इसे भोग में चढ़ाते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ यूनिक सेल उकड़ी से मोदक रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिसे आपको बनाने में आसानी हो, पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोडाल्स किचन में। गणपति पापा के फेवरेट जासवंत मोदक बनाने के लिए यहाँ पर पहले उसके अंदर की फिलिंग बना के लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ 2 चम्मच जितने बादाम, 2 चम्मच जितने काजू, पिस्ता, किशमिश लिए, कुछ थोड़े से किशमिश लिए हैं। यहाँ मैंने ली है 1 चम्मच जितनी इलायची पाउडर और 2 चम्मच घी। तो यहाँ मैंने 1 पूरा नारियल को कद्दूकस करके लिया है। यह कप से बोलेंगे तो 2 कप जितना मैंने नारियल का बुरादा लिया है। यहाँ मैंने 2 कप जितना नारियल लिया है, तो यहाँ रेशो होगा गुड़ का 1/2 कप जितना। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हो तो यहाँ गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसकी फिलिंग बनाते हैं। तो अभी गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन या कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 कप जितना घी। घी के मेल्ट होते ही इसमें डालेंगे जो हमने नारियल को ग्रेट करके लिया था वो। इसमें घी के साथ 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, तभी इसमें डाल देंगे 1/2 कप जितना गुड़। तो यहाँ मैंने गुड़ का पाउडर लिया है, आप चाहो तो वो खड़े वाला गुड़ आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए लगातार चलाते हुए गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता। और यहाँ कुछ मैंने किशमिश ली थी वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, आपको पसंद हो तो डालो, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। फ्लेवर को इनहांस करने के लिए ना यहाँ पर मैंने जायफल को कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। तो लगभग यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर ग्रेटेड करके डाल दिया है। अभी फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और लीजिए हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी यहाँ मोदक की कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप चावल का आटा और 1/4 कप गेहूं का आटा। यहाँ आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 बीटरूट लिया है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ मैंने बीटरूट को कद्दूकस करके 2-3 चम्मच पानी में भिगो के रख दिया था। अभी इसका जूस निकाल के लेंगे और छलनी में से छान के लेंगे। इसको इसलिए छानना है कि इसके जो बारीक बारीक टुकड़े है वो अपने आटे में ना आए। अभी गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे 1 कप जितना पानी और इसी में डालेंगे 1 कप जितना घी। अभी इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और नमक डालने के बाद इसमें जाएगा 1/2 चम्मच जितनी चीनी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और बॉईल होने के बाद इसमें डालेंगे जो हमने बीटरूट का जूस निकाल के रखा था ना वो भी इसमें डाल के अच्छे से बॉईल करके लेंगे। अभी पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे पहले चावल का आटा। 1 हाथ से डालेंगे, 1 हाथ से मिक्स करते जाएंगे। अभी इसको अच्छे से पहले मिक्स करके लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 1/4 कप जो हमने गेहूं का आटा लिया था वो भी इसी में डाल के अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये मोदक तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, आप भी जरूर बना के देखिएगा। अभी इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन से ढककर 2-3 मिनट के लिए बाफ पर छोड़ देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए, आटा भी अच्छे से फूल गया है। तो फिर से मिक्स करके एक प्लेट में इसको निकालेंगे। अभी आटा बहुत ही गर्म है, लेकिन गरम गरम इसमें ही गूंदना होगा, नहीं तो आटा हमारा जो है वो सख्त हो जाएगा और हमारे मोदक भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आटा जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है। अभी क्या करेंगे, 9 से 10 इसकी लोइयां बना के लेंगे। उसमें से एक लोई लेंगे और इसको रोल करते हुए बेलन से बेल देंगे। यहाँ इस तरह से पतली रोटी हमें बेल के लेनी है। अभी क्या करेंगे, यहाँ एक चम्मच जो हमने मोदक फिलिंग बना के रखी थी वो इसके अंदर रख देंगे और साइड से चाकू से 5 मार्क करके लेंगे। लेकिन इसको पूरा कट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको मार्क लगा के लेंगे। अब जहां से हमने मार्क लगाया है वहां से फोल्ड करते जाएंगे, सिर्फ मोदक बनाते वैसे ही, लेकिन सिर्फ 5 ही इसे फोल्ड बनाने हैं इस तरह से। अभी यहाँ जो प्लेट्स बनाया है इसको एक पेटल्स का आकार देंगे। तो अभी इस तरह से फिंगर से खिसकाते हुए इसको पंखुड़ी जैसा आकार देंगे और ये पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी की यहाँ चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिंगर से खिसकाते हुए दूसरी पंखुड़ी को चिपका देंगे। इस प्रकार सारी पंखुड़ियाँ चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे आपको लग रहा होगा कि हाथ में चिपक रहा है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि इसमें हमने शक्कर डाली है। शक्कर डालने से हमारा जो बाहर का कोटिंग है वो खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगेगा और फीका नहीं लगेगा। तो लीजिए हमारा जो जासवंत का फूल है वो रेडी हो गया है। इसी प्रकार हम सारे फ्लावर्स बना के लेंगे। ये देखिए रोटी बेल ली है। अभी क्या करेंगे, हाथ में अभी मैं स्टफिंग नहीं भरूंगी, हाथ में लूंगी और पहले फोल्ड करते जाऊंगी। ये देखिए ये बहुत ही इजी पड़ेगा आपको करने के लिए। अभी इसमें फिलिंग भर देंगे और फिलिंग भर के जो 5वीं पंखुड़ी है उसको भी बंद कर देंगे। अभी इस तरह से फिंगर को खिसकाते हुए इसको पंखुड़ी जैसा आकार देंगे और बनाई हुई पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी पर चिपका देंगे इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से सारे फूल हम बनाते जाएंगे। ये देखिए सारे फूल हमने बना के लिए हैं। अभी इसको स्टीम करने के लिए छन्नी पर रख देंगे। स्टीमर को मैंने 2 ग्लास पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया था। अभी इसके ऊपर छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर जो हमने फ्लावर्स बनाए थे वो रख देंगे। मैंने जाली हटा करके जो अपना इडली स्टीमर होता है उसके अंदर सारे फूल रखकर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दिए थे। और ये लीजिए 15 से 20 मिनट हो गए, आप देख सकते है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे है ना फूल। तो हमारे यहाँ जासवंत के मोदक है तैयार। चलिए तो इसको सर्व करते हैं। गणेश चतुर्थी आ गई है, पापा के लिए मोदक तो बनते हैं। बहुत सारी मोदक रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये सारी रेसिपी आपको देखनी है मृणाल्स किचन पर। ये देखिए आपको एक मैं तोड़ के बताती हूँ और ये देखिए अंदर की फीलिंग, देख के मुंह में पानी आया होगा ना, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।